क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। ओके, कैसे करेंगे? अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट दिख रहा है अंदर आपको, 2 प्लस 3x स्क्वायर, इसको आप सॉरी 2 प्लस 3x क्यूब, इसको आप t के इक्वल पुट करिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कहानी क्या चल रही है। 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल्स टू t। ओके, अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर ये वाला हट जाएगा ऊपर से। कैसे? देखिए, यहाँ से आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू का हो जाएगा जीरो, तो इसको छोड़ दो आप। एक्स एक्स देखो, थ्री तो कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का करोगे थ्री आएगा आगे, थ्री थ्री नाइन हो जाएगा और एक्स की पावर में से वन माइनस कर देंगे, ये ऐसा। ठीक, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। डी टी का टी का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाय डी एक्स। ओके, अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी एक्स इधर जाएगा तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय नाइन एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ये वैल्यू ले जाके dx की यहाँ रख दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो ये सपोज i है, i का मतलब इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन, ध्यान दें 2 प्लस 3x क्यूब की जगह आप t पुट करोगे और 2 प्लस 3x क्यूब का होल पावर 3 था, ठीक है, तो t की पावर 3 हो जाएगा। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाय 9x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या गलती होती है, मेरे से भी लास्ट क्वेश्चन में हो गई थी। क्या देखिए, कभी कभी हम यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, ये नंबर हम भूल जाते हैं, नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको हम बाहर ले आया करिए। ठीक है, तो ये जगह 1/9 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 बाय, ये डी टी लिखा हुआ है भाई, डी टी कटा नहीं है, डी टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय t का क्यूब डी टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं सभी बच्चे आराम से। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1/t³ है, टी क्यूब को ऊपर लेके जाओ पावर माइनस हो जाएगी, टी क्यूब को ऊपर लेके जाओ पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि टी की पावर माइनस 3 इंटू 1, टी की पावर माइनस 3, तो टी की पावर माइनस 3 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा 1/9। ओके, और टी की पावर माइनस 3 क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और प्लस सी, बच्चों बात समझिए, एक्चुअल में यहाँ एक C1 आता, फिर 1/9 C1 को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉन्स्टेंट आता, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टेंट ना लिख के हम सिंपली एक कॉन्स्टेंट लिख देंगे। ठीक है, आपको एक ही लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, t की पावर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और प्लस 1 सॉरी माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होता है। ठीक, प्लस c, तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से करिए, t की पावर माइनस हाफ इंटू 1, t की पावर माइनस हाफ, ये मल्टीप्लाई ही तो है इसमें, और माइनस 2 इंटू 9 क्या होता है, क्या होता है, माइनस 18 होता है। ठीक है, और प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए टी की पावर माइनस हाफ को अगर आप नीचे लेके आओगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/-18, ठीक है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 1/-18 और टी की पावर माइनस हाफ, टी की पावर माइनस हाफ प्लस सी, तो 1/-18। और देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, टी की पावर माइनस हाफ नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टी की पावर प्लस 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस ये टी की पावर 2 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली कितना, और ये माइनस ऊपर लगा दीजिए, तो माइनस 1/18 और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस सी, तो ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, माइनस 1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस सी।